हे गाइस, स्वागत है आपका जॉय स्टडी सेंटर में। मैं ऋषभ राज आप लोगों के फिर से नया वीडियो लेकर के आया हूँ। वैसे तो टाइटल में देख देख करके आप लोगों ने समझ लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि जिन जिन लोगों ने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करते हैं उन लोगों के लिए हमारे चैनल पर वीडियोज़ अपलोडेड हैं, मैथ्स और जीके जीएस के वीडियोज़। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको तभी मिल पाएंगे। और प्लीज़ यार, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, एंड वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएं। तो चलिए चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केटिंग, आखिर मार्केटिंग क्या है। सबसे पहली बात, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है मार्केटिंग और सेल्स को लोग मिक्सअप कर देते हैं। लोगों को लगता है मार्केटिंग सेल्स है, बट नहीं। आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, सेल्स इज़ अ डिफरेंट पार्ट और मार्केटिंग जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है। अब कैसे है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि मार्केटिंग आखिर है क्या। तो मैं मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा बात बताता रहता हूँ। मार्केटिंग का एक सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड को मार्केटिंग कहते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक फंक्शन को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फिनांस, एचआर, आईटी, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक फंक्शन को चलाने के लिए। फाइनेंस के बिना भी अधूरा है हमारा फंक्शन, एचआर नहीं रहेगा तो भी अधूरा है, आईटी पे सारी टेक्नोलॉजीज डिपेंड होते हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, और प्रोडक्ट प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन के बिना मार्केटिंग अधूरा है। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक फंक्शन को चलाने के लिए। अब बहुतों के मन में एक क्वेश्चन होता है यार कि मार्केटिंग होता क्या है। तो मार्केटिंग में जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रमोशंस, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। अब प्रमोशंस आप समझ रहे हो, एडवर्ट, ओके, कि प्रमोशंस कैसे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट में आने के बाद। प्लेस वैरी करता है। अब प्लेस इसलिए वैरी करता है कि किसी, मैंने आपको क्या बताया कि कस्टमर नीड। अब हर चीज़ हर जगह आप नहीं बेच सकते हैं, तो उसके लिए प्लेस वैरी करता है। प्राइस मैटर करता है लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, प्रोडक्ट क्या होगा, पब्लिक रिलेशनशिप भी आपको बिल्डअप करना पड़ता है इसमें, कि आप लोगों से कैसा रिलेशन बिल्डअप करते, लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे। एडवर्टाइजिंग डिपेंड करता है कि आप कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लोग कैसे ट्रस्ट करें, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और पर्सनल सेलिंग जो आप करते हो। अब अगर देखें सिंपल वे में, कि सिंपल सिंपलिस्टिक वे में अगर आप इसको देखते हो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आपके सामने इसका डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज़ एंगेजिंग कस्टमर एंड मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। मार्केटिंग जो है क्या करता है, कस्टमर से हमेशा प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। दूसरा, अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल तो आप लोगों को मैं एक केस बताना चाहूँगा। आपने हाल ही में सुना होगा मैगी की प्रोडक्ट पे लेड की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मैगी का मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, लोग खरीदने से मैगी डर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके सीईओ जो थे वो आकर के उन्होंने खुद से जो भी चीज़ें थी उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया, नहीं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सब चीज़ ठीक कर लिया है। तो क्या हुआ उसके बाद, जो मैगी की मार्केटिंग थी वापस से फिर अपने पोजीशन पे आ गई। क्यों?
इसके वजह से, क्योंकि वो कस्टमर रिलेशनशिप जो है उनका, वो उन्होंने वापस से बिल्डअप किया। सो कस्टमर रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात होती है। आप क्योंकि आप किसी को झूठ बोल करके एक टाइम को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, बट बार बार नहीं। सो कस्टमर रिलेशनशिप वेरीज एवरी टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट, द टू फोल्ड गोल्स ऑफ मार्केटिंग इज टू। अब बताते हैं कि देखिए इसमें क्या लिखा है, अटैच न्यू कस्टमर बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर वैल्यू। आप इसमें हमेशा नए नए कस्टमर्स को वैल्यूज, उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हो, और हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ नए नए कस्टमर्स को ऐड ऑन करते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो मार्केटिंग। और जो दूसरा पॉइंट कहता है वो है, कीप ग्रोइंग करंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग वैल्यूज एंड सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब होता है कि आपके जो प्रेजेंट के कस्टमर्स हैं, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर हैं, उनको वैल्यूज़ और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। तो इसके दो मेजर पार्ट्स हैं मार्केटिंग के, एक तो आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करके कस्टमर को ऐड करना, न्यू न्यू कस्टमर्स को, और दूसरा जो आपके प्रीवियस कस्टमर्स हैं पहले से ऑलरेडी, उनको सेटिस्फैक्शंस वैल्यू प्रोवाइड करना। ये मार्केटिंग के दो मेजर पार्ट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि अब हम मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, कस्टमर नीड। मार्केटिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड। मार्केट प्लेस मैंने इसलिए बताया, मार्केट प्लेस क्या होता है। अभी सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी प्लेस पे आपको, आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। जिस प्रोडक्ट के लिए जो जगह सुटेबल होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, आप वही प्रोडक्ट्स उस जगह पे जाकर के बेच सकते हो। सपोज डैट एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, आप राजस्थान में जा कर के गर्मियों के टाइम पे कंबल नहीं बेच सकते हो, बट आप ठंड के टाइम में हिमालय, कहीं भी ठंडे वाले प्लेस पे आप कंबल बेच सकते हो। क्योंकि प्लेस वेरीज करता है, इसके लिए प्लेस मैटर करता है। अब आते हैं कस्टमर नीड। कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमेशा मार्केट चलता है। क्योंकि कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो जब तक डिमांड नहीं होंगे तब तक मार्केट में वो चीज़ें बन के नहीं आएंगी, तब तक मार्केटिंग नहीं होगी। अभी मैं आपको और भी ब्रीफली बताऊंगा, नीड्स क्या होती है, डिमांड्स क्या होती है, और मार्केटिंग में लोगों के नीड्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो अभी ये क्या कहते हैं, मार्केट्स नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट क्या है, कस्टमर के नीड्स, उनके वांट्स, उनकी ज़रूरतें क्या है, मार्केट प्लेस, ये सारी चीज़ें वैरी करती है। जैसे कि नीड्स, वांट्स, डिमांड्स, जैसे मैंने बताया आपको, मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफरिंग्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप, मार्केट्स, ये सारी चीज़ें। अब कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको एक मार्केट चाहिए, और किस मार्केट में वो प्रोडक्ट आपका सही से बिकेगा। एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप, आपने कई बार देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे एक्सचेंज रिलेशनशिप का एक्सचेंज ऑफर चलते रहता है। सो दैट्स ऑल्सो अ मार्केटिंग पार्ट। वैल्यूज़ एंड सेटिस्फैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि कस्टमर तभी आपका प्रोडक्ट लेगा जब वो सेटिस्फाई होगा आपके प्रोडक्ट से। मार्केटिंग एंड ऑफरिंग, ये सारी चीज़ें, सर्विसेज, अगर गुड सर्विसेज दोगे तो लोग आपकी चीज़ों को ज़रूर खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ज़रूर खरीदेंगे। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक जो है आपका बहुत ज़्यादा वैरी करता है कि
आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सेल करते हो तो ये चीज सारी चीज़ें वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नीड, वांट्स एंड डिमांड, जिनको भी डेफिनेशन लिखना है वो यहाँ से लिख सकते हैं। अब नीड आखिर होता क्या है, लोगों को नीड क्या है? जैसे कि फूड, फूड इज ए नीड, हमारी ज़रूरत है फूड। वांट्स क्या है, चिकन, एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, चिकन, बर्गर्स। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या हैं, वांट्स है। अगर हमें ये नहीं भी मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और डिमांड, डिमांड क्या होता है, ओनली जो हमारा पॉकेट, जो हम अफोर्ड कर पाए, जो हमारा बजट होगा, हम वही चीज़ खरीदेंगे, वही हमारी डिमांड होगी, वही हमारा नीड। और जो ये यही जो होता है नीड, बाद में जो नीड होता है यही बन जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, नीड क्या है, वांट्स क्या है, डिमांड क्या है, आप समझ चुके होंगे अच्छे से। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं, मैं आपको और अच्छे से इलेबोरेट करके बताऊंगा इसके बारे में। तो चलिए जल्दी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, मार्केटिंग करने का बहुत तरीका होता है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो कि ये जो लेज का एक आपके सामने पिक्चर, एक बैनर है, और इस बैनर पे क्या लिखा है, कच्चा अम्बी। अब ये जो कच्चे आम का जो फ्लेवर का ये जो लेज का है, आप एक देख रहे हो एक लेडी के बैक पे ये बना हुआ है एक कच्चे आम का पिक्चर। ये शो रिप्रेजेंट करता है कि एक फ्लेवर है, ये एक मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है अलग अलग जगह पे। तो ये कस्टमर्स की को अंडरस्टूड हो, जल्दी से समझ पाए, तो एक इजी ये मार्केटिंग पॉलिसी है। अब हम आते हैं जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक गंजा इंसान है और उसे कंघी बेचने की कोशिश की जा रही है। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आप सामान तभी किसी को बेच पाओगे जब किसी की नीड होगी। अब इस गंजे इंसान को इस कंघी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इंसान क्यों कंघी खरीदेगा, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। अगर इस कंघी की जगह इस इंसान को अगर एक तेल बेचा जाता कि सर आप इस तेल को यूज़ करने से आपके सिर पे बाल आ जाएंगे, तो ये इंसान एक टाइम के लिए खरीद भी सकता है। तो प्लेस वैरी करता है, आप किस जगह पे क्या कर रहे हो और कस्टमर की नीड क्या है। तो इस जगह पे कस्टमर की नीड डिपेंड करती है, कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आप उसको बेच क्या रहे हो। ओके, अब दूसरे वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक जो इग्नू है आपको दिख रहा है यहाँ पे, और बर्फीले जगह है, और इस इंसान को कोई आइस बेचने जाएगा। ओके, तो ये इंसान बर्फ़ नहीं खरीदेगा क्योंकि ये खुद ही बर्फ़ में रहता है, इसे बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, इसे हीटर की ज़रूरत है। तो डिपेंड करता है प्लेस, इस जगह पे कि आप क्या बेच रहे हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या है। अब आते हैं हम डिमांड पे। जैसा कि आपने देखा था डिमांड क्या होता है, और डिमांड को हम एक सिंपलिस्टिक वे में जाने तो डिमांड क्या होता है, डिमांड होता है किसी भी स्पेसिफाई प्रोडक्ट को आप डिमांड बना सकते हो जो आपकी नीड है। दूसरी बात कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप उसको परचेस कर सकते हो कि नहीं, आपकी एबिलिटी क्या है, आप उस चीज़ को परचेस कर सकते हो कि नहीं, आप उसको अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि डिमांड्स जो होते हैं कस्टमर के, पहले जो ह्यूमन बींग्स थे हम, उनकी जो डिमांड्स थे वो सीमित थी, और जिसकी वजह से लोगों की नीड्स कम थी। अब क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स डेवलप होते चले गए, लोगों की डिमांड्स जो हैं वो
दिन पर दिन बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन और बढ़ता गया, लोगों की नीड्स बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, हम उनकी डिमांड्स को पूरी करते गए, और इसकी वजह से ये मार्केटिंग इस तरीके से बढ़ता चला गया। सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। और जब तक लोगों की नीड्स बढ़ती जाएंगी, डिमांड्स बढ़ेगा। सो इस पिक्चर्स में आप देख ही पा रहे हो, गिव मी मोर, लोगों की नीड्स कभी नहीं फुलफिल होंगी। सो उसी की वजह से डिमांड्स और बढ़ता जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या होता है, डिमांड क्या होता है, नीड्स क्या होती है, लोग कैसे मार्केटिंग का एक मोनोपोली क्या होता है, मार्केटिंग किस चीज़ को हिट करता है। मार्केटिंग में आपने कहीं भी नहीं देखा कि लोग जो है सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्स एक टोटली डिफरेंट पार्ट है, मार्केटिंग वो होता है। जैसे कि मैं आपको बता दिया मैंने कि नीड्स होती है, आप एडवर्टीजमेंट करते हो, आप किस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो पब्लिक के बीच में, उसका भरोसा, उसकी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस की टॉपिक्स MBA से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो के लिए फिर मैं अब अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। बी सेफ, बी एट योर होम, बाय।